जय हिंद मित्रों। आज ये वर्दी मैं अंतिम बार पहन रहा हूँ क्योंकि मेरा डिजाइन एक्सेप्ट हो गया। तो कुछ मेरी सर्विस के दौरान जो मैंने सीखा है वो कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या कभी कोई फौजी चुनाव से या वोट देकर भर्ती होता है? फिर क्यों ये दिल्ली में बैठे नेता ये बताते हैं कि हमें कब क्या और कहाँ फायर करनी चाहिए? हद होती है जब कोई दिल्ली में बैठे ये बोलता है कि नहीं, इनको कौन सी गन दी जाए कौन सी नहीं। अगर मैं मान लूँ ये नेता अपनी सुरक्षा के अंदर पेटल गन यूज करवाए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी यूज कर लेंगे। खुद की सिक्योरिटी में इनको AK-47 चाहिए, लेकिन जब वहाँ जवान अगर किसी बॉर्डर पे लड़ रहा है तो उसको पेटल गन चाहिए। इतनी अजीब, हमारे देश का सिस्टम ख़राब है अभी से नहीं 70 साल से। एक धूर्त व्यक्ति आज़ादी के बाद ही आर्टिकल 370 लगाकर ही देश की सुरक्षा का सौदा उसने कर दिया था, जिसके अनुसार उसने इतना बांध दिया था कि जिसकी हद नहीं है। कुछ बैठे ये ज्ञान देते हैं और व्यवस्था पूर्वक ये देखना पड़ता है कि मतलब एक कोई घटना नहीं, कई घटनाएं। भारत की सेना इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि वहाँ पे 1990 में हमारे ही देश के मूल नागरिक वहाँ से भगा दिए जाए। व्यवस्था पूर्वक वहाँ देखा जा रहा था कि अपने ही भाइयों के घर उजड़ रहे थे। बंगाल में भी सेम वही है, फायर के आदेश नहीं है कहीं भी। वहाँ से दिल्ली में बैठ के नेता ये डिसीजन देता है किस सीमा पर हमें, किस बॉर्डर पर हमें फायर करनी चाहिए और किस पर नहीं। आतंकियों के लिए मानवाधिकार है, नेताओं के लिए मानवाधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर एक फौजी के लिए नहीं। एक भड़वा बैठकर ये कहता है फौजी होते बलात्कारी हैं, फौजी होते मरने के लिए हैं, वो और देश में जिंदा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी उन लोगों के लिए है जिनको ये ही पता नहीं कि वर्दी होती क्या है, वो फौज के लिए अंट संट जब मर्जी बकते रहते हैं। अगर एक नेता दिल्ली में बैठ के ये कहता हमें किस महीने में फायर करनी चाहिए किसी में नहीं, ये देश की सुरक्षा का ही सौदा है। जब आतंकियों को सुधरने का मौका देके उसको फौज में भर्ती कराया जाता है, आतंकी का अर्थ होता है उस देश को मिटाने के लिए आतंकी बना है। क्या उसको नौकरी मिलते है वो राष्ट्रभक्त बन जाएगा? फौजी नेताओं को शहीद का दर्जा है, अभिनेत्री को शहीद का दर्जा है, लेकिन इस देश के लिए मरने वाले अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं है। नेताओं की पेंशन है लेकिन अर्धसैनिक बलों के जवानों की पेंशन नहीं है। क्यों, नेता कोई सीमा पर लड़ते हैं या किसी कहां पर लड़ते हैं मुझे इतना बता दें। और फिर उनको मतलब ही क्या है कि वो एक जवान जब भर्ती होता है तो वो अपना योग्यता के अनुसार होता है, उसमें काबिलियत के अनुसार होता है कि उसमें कितनी काबिलियत है। और हष्ट पुष्ट एक बंदा जब फौज में भर्ती होता है उसके बाद में इन लोगों को क्या अधिकार है कि ये लोग हमें बताएंगे कि हमें कब क्या करना है क्या नहीं करना। देश का सिस्टम मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। सिस्टम बदलने की बात है, हम किसी कोई ऑफिसर से कोई जवान दुखी नहीं है, ना तो आज था ना पहले था। और ये कोई नई घटना नहीं है, हर क्योंकि बंगाल मैंने देख लिया, बंगाल के अंदर बोले वहां से अगर वो लोग हमारे पे कैजुअल्टी करते हैं, यानी किसी नेता का कोई हाथ कटवा के फायर करके दिखा दे मैं मान जाऊंगा, फिर फौज को क्यों बंद करते हैं? एक बंदा बैठकर हमारे देश का क्या बताऊं, इतनी हद से ज़्यादा कि कोई समझ में नहीं आती इस नौकरी को करने में। ये बताइए कि नेता होता कौन है जो हमें इस चीज़ के लिए बताएगा कि क्यों
1990 में हमारे देश के इतने जवान हैं कि वो आराम से कश्मीरियों को वहाँ पर मूल निवास पर वापस बसा सकते हैं, लेकिन राजनीति ख़त्म नहीं होती। विदेशी रोहिंग्या आके हमारे यहाँ बस सकते हैं, पाकिस्तानी कश्मीर में आ सकते हैं, हम अपना तिरंगा जलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनका संविधान है, उनके नियम में कि तिरंगा जलाना उनके लिए अपराध नहीं है। एक जवान थप्पड़ खा सकता है, गाड़ियाँ जला दी जाती है, उनको वहाँ पर अभद्र भाषा यूज करी जाती है, लेकिन पत्थरबाजों को केस मुक्त किया जाता है। आतंकी के जनाजे में लाखों करोड़ों जाने वाले के वो अपराधी नहीं है, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। बात सिर्फ सिस्टम बदलने की कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। दुखी हुआ था बहुत, मेरी कोई घरेलू कोई ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि चलो हाँ, लेकिन समस्याएं ये थी दिमाग में हमेशा रहती थी कि हर दिन किसी से ऑफिसर से पूछे कि क्या बात है कि दिल्ली से आदेश नहीं है। क्या दिल्ली होती कौन है हम लोगों को बताने वाली कि हमें कब क्या फायर करना चाहिए, हमारी हर चीज़ का हिसाब उनको देना पड़ेगा, तो देश की सुरक्षा होती है। अरे विदेश से जो सीख रहे हो तो इजराइल से चाइना से सीखो कि वो अपनी सेना पर देश की सबसे बड़ी बजट उनका उन पर खर्च होता है। या नेता बैठ के सोचता है कि उसको कितनी तनख्वाह दी जाएगी, उस फौज को कितनी, यार हद है, कम से कम शहीद का दर्जा उन नेताओं को देके हमारी आत्माएं तो मत जोड़ो। क्या फौज को शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को किस बात की पेंशन दी जा रही है? और फिर व्यवसाय की बात आती है, तो एक अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी उसका हो, वो और व्यवसाय नहीं कर सकता, पर लेकिन एक नेता राज की ये पदाधिकारी होते हुए वो कितने भी बिजनेस कर सकता है। सारे नियम सब कुछ देश में उनके लिए लागू है, लेकिन एक जवान या किसी के लिए ये नियम लागू नहीं है कि एक व्यवसाय के अलावा वो और नहीं कर सकता। मेरी ये घरेलू समस्याएं थी कि दिल्ली में बैठा नेता जब ये बोलता है कि हमें किस अनुसार कब फायर कब नहीं करना चाहिए, इन्हीं कारणों से मैंने रिजाइन दिया है, और जितना किया पूर्ण ईमानदारी से करके मैं इस वर्दी में शायद अंतिम बार आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। क्यों, मेरा आज रिजाइन एक्सेप्ट हो गया? लेकिन मेरे भाई आप आवाज़ बनो पूरे देशवासी, नहीं तो इस देश की सुरक्षा का सौदा अभी से नई आज़ादी के बाद से शुरू होता है। चाहे वो किसे, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा, कोई भी पार्टी हो आज तक उन्होंने सौदा ही किया है। महबूबा मुफ्ती बैठ के अगर वो डिसीजन लेती है कि अब रमज़ान में फायर नहीं करेंगे, पत्थरबाजों को भी केस मुक्त करेंगे, सेना पर मुकदमा तक लग जाता है इस देश में, और एक अगर गलती से अगर जहाँ पर फायर के आदेश नहीं है और वहाँ कोई फौजी अगर फायर कर दे तो वो पेशियों पे घूमता रहेगा, उसके चक्कर मारता, अगर कोई मर गया गलती से तो फौज तो है ही, या फिर सिविल जेल से और परेशान हो। क्या हमारे देश का सिस्टम यही रहेगा हमेशा? आवाज़ हकीकत में है कि ये सोशल मीडिया हो या जो भी, अगर जन जागृति हो तो कोई औकात नहीं है किसी आतंकी की, वो जो देश में आ भी जाए, यहाँ तक कि संसद में भी बम फेंक दिया, या फिर कोई होटलें हमारी जाती है, या मतलब कोई भारत का एक ऐसा कोना ही नहीं बचा जहाँ पर आतंकी नहीं घुस सकता। सरकार जब पूरे देश मना कर दिया उन रोहिंग्याओं के लिए, तो हमारे देश में बसाने की जरूरत क्या थी? फिर एक देश और इतने संविधान इतने नियम, सिर्फ और सिर्फ क्या फौजियों के लिए? मतलब कहीं तो कोई आत्मा झोड़ जाती होगी इन लोगों की, या बिल्कुल ही मर गई कि एक सैनिक जब मर्जी वो एक सिविल जो सिर्फ गद्दार हैं वो आते हैं थप्पड़ मार दिया, पत्थर मार दिया, गाड़ियां जला दी। हकीकत यह है कि 90% लोग ग्रामीण इलाके क्षेत्र से आते हैं और वो फौज में लगते हैं। अगर किसी का भी ज्यादा करके 90% अगर मरने वाले हैं, शहीद होने वाले हैं, या जो भी है, क्योंकि 100% उनमें तो 90% गरीब के ही हैं, इसलिए इन नेताओं को दुख नहीं होता क्योंकि इनकी औलादें जानी नहीं है, तो इनको आदेश से और बिना आदेश से क्या मतलब है? लेकिन कब तक? अगर जितना जल्दी अगर सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ तो इस देश की सुरक्षा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और एक कन्हैया जैसे बढ़वे जो कहते हैं कि फौजी आतंकी होते हैं, उसको ये पूछो कि अगर फौजी आतंकी होते तू बसता नहीं अभी तक? मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। अर्धसैनिक बल का कोई शहीद का दर्जा नहीं है, ना आज है ना पहले था। उनकी पेंशन भी नहीं है क्योंकि वो शायद गरीब के हैं, गांव से आए हैं, किसान के बेटे हैं,
क्योंकि वो नेताओं के बेटे तो उनकी पेंशन भी होती है, जब बूढ़े नेताओं को पेंशन मरने के बाद भी उनके परिवार को मिलती है, तो क्या फौजी को नहीं मिलनी चाहिए कभी? मेरे भाई आप सभी से मेरी विनती है कि आप मेरी आवाज़ नहीं, आप सबकी आवाज़ इस देश के हर फौजी के लिए आवाज़ बने, तब ही इस देश का सिस्टम बदलेगा। नहीं तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कहीं से कोई मतलब नहीं है, ना तो ये आज हमारी बात सुनने वाले ना कल। हाँ, जिस दिन देश की आ जाएगी इनकी सुरक्षा में, तो हमारे भाई सारे, चाहे वो पुलिस के हो चाहे फौज के हो, और ये लोग अपनी सुरक्षा के अंदर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि इनको पेटल गन चाहिए, इनको 47 ही चाहिए, पूरा ब्लूट प्रूफ चाहिए इनको हर चीज़। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को या अपनी आवाज़ को आप अपने स्तर पर बता दीजिए कि सिस्टम क्या चल रहा है, और एक आवाज़ उठाओ जो हकीकत में हर फौजी बच सके या देश बच सके, फौजी बचे या ना बचे। क्योंकि कश्मीरी क्या मतलब, हर सिस्टम से कहीं से भी देख लो फौजी मजबूर है, नहीं हाथ में हथियार लेके 6 फुट का जवान किसको बकस देगा? एक 2 कोटी का लोग आते हैं, वो जो मर्जी बक देंगे। और फिर ये मानव अधिकार जो सिस्टम चला है, अरे कुछ फौजियों के लिए भी कोई सिस्टम है इसके अंदर? या मानव अधिकार सिर्फ उन्हीं के लिए कि तार बंदी या इंटरनेशनल बाउंड्री की तार काटना वाले आदमी को मार नहीं सकते, क्योंकि मानव अधिकार उसके लिए भी लागू है? तो फिर भाई वहाँ पर खड़े कर रखे जिन जवानों को फायर के आदेश नहीं है, तो उनको क्यों खड़ा किया है? और जो ये त्यौहारों पर आतंकियों की इतनी चिंता कर रहे हैं, तो कभी हमारा भी त्यौहार आता, हमारा भी परिवार है, वो भी बैठ के देख रहे हैं कि वो कभी आएगा, तो हमारी भी कभी को चिंता कर लिया करो, या मेरे भाइयों की, क्योंकि मैं तो आज के बाद में सह रहूँगा नहीं। रहने का मतलब है मैं रहूँगा इस वर्दी में नहीं रहूँगा, क्योंकि आज नहीं कल आपके भी बेटे जाएंगे, आपकी भी औलाद जाएगी, और देश को बचाना है तो सबकी औलादें भेजनी ही पड़ेगी। मेरी आप सभी से पुनः आग्रह है कि उन नेताओं से एक आवाज़ ज़रूर बन के बोलो कि उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं, या उनको फायर के आदेश क्यों नहीं? आप क्यों बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो? वो वोट से नहीं, अपनी योग्यता से चुनकर जाते हैं, फिर आप क्यों बीच में टांग अड़ाई करते हो? सिर्फ उन्हीं का त्यौहार त्यौहार होता है कि रमज़ान उनका त्यौहार आ गया, और किसी के त्यौहार की कोई चिंता नहीं है? बाकी आप आदरणीय देश के किसी नागरिक से कोई शिकायत नहीं है, बस सिस्टम से शिकायत है। आप सिस्टम के लिए एक बार आवाज़ उठाना। मेरी अंतिम बार वर्दी की विनती है आपसे कि ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करो ना करो जो भी है, लेकिन आप अपनी भाषा में अपना विचार रख के और मेरी बात को उन नेताओं तक जो दिल्ली में बैठे ये कहते हैं कि अब फौजी को कहाँ पे मारना है कहाँ पर नहीं मारना, तो उनकी ज़रूर मेरी बात या अपनी बात अपनी भाषा में उन तक पहुँचा दो, क्योंकि देश की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। नहीं तो इनका कुछ नहीं जाना, ये यहाँ से निकल के विदेश भी चल जाएंगे, इनका जमीर क्या होता नहीं होता मुझे कुछ पता नहीं है कि ये लोग अंदर से क्या झजोड़ के देखते हैं, लेकिन जो मैंने 12 साल के दौरान जितना देखा है, तो एक हमारे अफसर से वो बड़े भाई हैं जैसे भी हैं, वो एक सिस्टम एक परिवार है वो चलाने की उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन ये लोग बैठ कर जब ये कहते हैं कि नहीं दिल्ली से आदेश है हमें वहाँ पर ये नहीं करना चाहिए, ये दिल्ली वाले होते कौन है हमें आदेश देंगे? और इस टाइप के आदेश की देश की सुरक्षा के साथ आतंकी भर कर सकते हो आप, हर किसी को भर्ती कर सकते हो, पर ठीक है जैसा भी हो आप मेरी आवाज़ बनो, यही मेरी लास्ट विनती है आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।